ओके हेलो स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो ऑफ द टेम्पेस्ट दिस आई वाज एक्सप्लेनिंग एक्ट सेकंड सीन टू वेयर आई हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 134. सो द कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन ट्रिंकुलो एंड स्टेफानो दो कैलेबन इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. When Caliban is surprised and he feels that Trinculo is actually a spirit which is sent by Prospero to torment him because he feels that he was not doing his job properly, and Trinculo himself is afraid of the storm, dangerous storm. So he, when he does not find any shelter on the island, so what does he do? He shrieks, he creeps inside the garbage heap of Caliban. And just then Stefano arrives. Stefano is completely drunk and he's holding a bottle of wine. When he notices Caliban, so he considers him as a kind of fish or a monster. And then Stefano, because there are four legs out of his garbage in two of Trinculo and two of Caliban. So Stefano says that whether he's a delicate kind of a monster which has four legs and two voices. And then later when Trinculo identifies the sound of Stefano, so he becomes extremely happy and he feels that at least two Neapolitans, okay, two people of Naples, they have been able to save their lives. सो बोथ दीज वेन दे कम आउट स्टेफानो जो है वो ट्रिंकुलो को पुल आउट करता है एंड देन दे स्टार्ट इंक्वायरिंग हाउ दे केम ऑन दिस आइलैंड एंड हाउ दे वर एबल टू सेव देयर लाइव्स. ओके तो स्टेफानो जो है वो बताता है कि ही हैज एक्चुअली जम्प्ड इनटू द वाटर ऑफ द ओशन वेयर ही टुक हेल्प ऑन ऑफ द बट ऑफ सैक. ठीक है, विच द सेलर्स हैव ऑलरेडी थ्रोन इन टू द सी एंड दिस इज हाउ ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द टेम्पेस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म. सो ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिज बॉटल विच ही मेड आउट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री विच वॉज प्रेजेंट ऑन द आईलैंड एंड ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ही हैज गॉट अ बट अ कास्क ऑफ a wine which he can gradually fill in his bottle and can drink it. Caliban. So we will start from page number 136. So get ready with your page number 136. I'll swear upon that bottle to be thy true subject, for the liquor is not earthly. अब Caliban जो है वो जैसे ही Caliban को भी थोड़ी थोड़ी देर पे स्टेफानो वाइन दे रहा है और उसको लगता है कि Caliban को वो अपना पेट बना सकता है, उसको एक डोमेस्टिक क्रिएचर बना सकता है. इनफैक्ट वो और भी आगे की प्लानिंग कर रहा है उसको आइलैंड से बाहर ले जाने की. तो Caliban को लगता है कि दिस मैन यानी कि स्टेफानो हु इज कैरिंग द बॉटल ऑफ दिस लिकर, सो ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज एक्चुअली अ मैन हु इज सेंट बाय गॉड टू हेल्प हिम. तो इस लिकर को भी वो बोल रहा है नॉन अर्थली. नॉन अर्थली का मतलब क्या हुआ? डिवाइन, हेवेनली, गॉडली. स्टेफानो हेयर स्वेर देन हाउ यू स्केपिस्ट. अब स्टेफानो फिर से ट्रिंकुलो से क्वेश्चन पुट अप करता है. स्टेफानो ने तो अपना बता दिया कि वो कैसे यहाँ पे सेव होकर के आया है. उसने बताया कि वो कास्क था जो वुड का बना हुआ था, उसके ऊपर वो तैरता हुआ आइलैंड पे आया है. और अब स्टेफानो ने जब ट्रिंकुलो से पूछा तो ट्रिंकुलो का जवाब बहुत ही कॉमेडी वाला. उसने क्या बोला? स्वम अशोर मैन लाइक अ डक, आई कैन स्विम लाइक अ डक, आई विल बी स्वोन. ट्रिंकुलो ने बोला कि व्हेन आई फेल फ्रॉम द शिप इन टू द वॉटर आई स्टार्टेड स्विमिंग लाइक अ डक टिल द टाइम आई रीच्ड ऑन दिस श्योर. तो जब तक मैं इस आइलैंड पे आ नहीं गया, आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, आई वॉज स्विमिंग इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ. हेयर किस द बुक, बुक का मतलब बॉटल. तो स्टेफानो ने बोला कि Caliban को अगेन, सॉरी ट्रिंकुलो को बोला कि नाउ यू कैन ऑल्सो टेक अ ड्रिंक फ्रॉम माई बॉटल. दो दाउ कान स्विम लाइक अ डक, दाउ आर्ट मेड लाइक अ गूज. तो स्टेफानो ने बोला कि ऑल दो आई नो दैट यू आर नॉट अ गुड स्विमर लाइक अ डक, बट वन थिंग आई एम वेरी श्योर दैट योर अपियरेंस इज लाइक अ गूज. गूज इज ऑल्सो अ डक लाइक क्रिएचर. तो बोल रहा है कि यू लुक लाइक, यू रिजेंबल लाइक अ गूज. ओ स्टेफानो हैज एनी मोर ऑफ दिस. अब ट्रिंकुलो को वाइन मिल गई, ट्रिंकुलो इज मोर देन हैप्पी, बहुत जॉयफुल हो गया. उसने बोला कि डू यू हैव सम मोर वाइन विद यू स्टेफानो. द होल बट मैन
माई सेलर इज इन अ रॉक बाय द सी साइड वेयर माई वाइन इज हिड. तो स्टीफेनो ने बोला कि आई हैव गॉट अ फुल बट. बट का मतलब कास्क, वो जो ढोलक की तरह एक बड़ा सा बनाया जाता है स्ट्रक्चर जिसके अंदर वाइन को फिलअप किया जाता था और शिप्स पे रखा जाता था, उसको इंपोर्ट किया जाता था और बिजनेस किया जाता था उसका, या जब लोग ट्रैवल करते थे तो अपने साथ उसको लेकर के जाते थे. तो स्टीफेनो ने ट्रिंकुलो को यकीन दिलाया कि ही हैज़ गॉट अ फुल बट, माई सेलर इज इन द रॉक By the seaside, उसने बोला कि I have kept this butt inside a cellar. Cellar is another word for cave. ठीक है, and that cave is by the side of the sea, where my wine is hid, where I have kept my wine secretly. How now moon calf? How does thine egg? अब moon calf जो है वो Caliban को refer कर रहा है और moon calf की meaning है foolish monster. तो स्टीफेनो ने बोला कि how are you foolish monster? How are you feeling? How is your pain? How is your fever? Caliban, has thou not dropped from heaven? तो Caliban जो है वो स्टीफेनो की ड्रिंक से इतना बेटर फील कर रहा है कि उसने बोला कि इट सीम्स एज इफ यू हैव फॉलन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम द हेवन. ऐसा लग रहा है जैसे गॉड ने आपको यहाँ भेजा है. आउट ऑफ द मून आई डू अश्योर दी आई वॉज अ मैन इन द मून वेन टाइम वॉज. तो अब स्टीफेनो ने जब देखा कि Caliban उसको एक गॉडली क्रिएचर समझ रहा है तो स्टीफेनो ने फन किया, मजाक उड़ाया Caliban का और उसको उसने बोला कि यस आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम द मून द सेम मून वेयर वंस आई वॉज सिटिंग. ठीक है, तो स्टीफेनो ने बोला कि श्योरली आई हैव कम डाउन फ्रॉम द मून बिकॉज वंस द मैन विच यू कुड सी इन द मून दैट वॉज मी. आई हैव सीन दी इन हर एंड आई डू अडोर दी. अडोर का मतलब लव. अब Caliban ने बोला कि यस यहाँ पे हर मून के लिए. सो द मोमेंट आई हैव सीन यू आई हैव सीन द मून आई कैन टेल यू विद गारंटी दैट आई हैव सीन यू सिटिंग इन द मून. माई मिस्ट्रेस शोड मी दी एंड दाई डॉग एंड दाई बुश. मिस्ट्रेस यहाँ पे मिरांडा को बोल रहा है. तो जब Caliban को मिरांडा और प्रॉस्पेरो टीचिंग्स देते थे, उसको एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने के लिए नॉलेजेबल बना रहे थे, तो तभी मिरांडा ने उसको मून दिखाया होगा जिसका वो रेफरेंस दे रहा है. तो Caliban बोल रहा है कि वंस मिरांडा हैज शोड मी द मून एंड आई कुड सी दैट योर यू वर सिटिंग विद योर डॉग एंड देयर वर बुशेज अराउंड यू. स्टीफेनो कम स्वेयर टू दैट किस द बुक. बुक का मतलब है बॉटल. स्टीफेनो ने फिर से इनविटेशन दिया Caliban को और बोला कि यू कैन कम एंड यू कैन टेक अनदर ड्रॉट ऑफ वाइन फ्रॉम माय बॉटल. आई विल फर्निश इट एन एन विद न्यू कंटेंट्स एंड व्हेन इट विल बी फिनिश. कंटेंट का मतलब यहाँ पे लिकर है. व्हेन द लिकर ऑफ माय बॉटल विल फिनिश तो आई विल फिल इट अप एट वंस बिकॉज देर इज अ फुल बट ऑफ वाइन विच इज केप्ट इन साइड अ केव. ट्रिंकुलो बाय दिस गुड लाइट दिस इज अ वेरी शैलो मॉन्स्टर. लेकिन ट्रिंकुलो जो है वो समझ रहा है कि Caliban बहुत ब्रेव नहीं है, बहुत अच्छा मॉन्स्टर नहीं है. तो उसने बोला कि डेफिनेटली जिसे आप अपना जिसको बहुत अच्छा मॉन्स्टर समझ रहे हैं तो ही इज अ स्टूपिड मॉन्स्टर. शैलो मीन्स स्टूपिड. आई हैव फियर्ड ऑफ हिम एंड आई एम बेसिकली अफ्रेड ऑफ हिम. आई डोंट ट्रस्ट हिम. ही इज अ वीक मॉन्स्टर. द मैन इन द मून मतलब ही सो स्टूपिड दैट ही कंसिडर्स यू द सेम मैन शैडो हु वॉज सिटिंग इन द मून. तो ये कैसे ये बात बोल सकता है कि इसने मून में आपको देखा है. तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपना कोई इंटेलिजेंस कोई विजडम नहीं है, ये फुलिश है. द मोस्ट पुअर क्रेडुलस मॉन्स्टर. क्रेडुलस मीन्स सुपरस्टिशियस. सो ही सुपरस्टिशियस मॉन्स्टर वेल ड्रॉन मॉन्स्टर इन गुड सूथ. और उसने बोला कि यू इन ऑर्डर टू गिव हिम अ गुड ड्रिंक सो दिस मॉन्स्टर इज फ्लैटरिंग यू. I'll show thee every fertile inch of the island and I'll kiss thy foot. I pray thee be my god. Caliban जो है वो बिल्कुल फैन हो गया स्टीफेनो का और उसने बोला कि I will show you all the good land of this island. ठीक है, I will show you the fertile inch of the island and I will kiss your foot. Meaning क्या हुआ, I will become your flatterer. I request you, you can become my lord, my god. By this light, a most perfidious and drunken monster. Perfidious का मतलब treacherous, wicked. और drunken, क्योंकि वो already drink ले चुका है Caliban से. तो Trinculo ने बोला कि I can take an oath of God's son.
that he is not a nice monster. He is a faithless, treacherous monster. And now he's drunk also. When God sleep, he'll rob his bottle. So he is such a liar and cheater that he will cheat himself. He will cheat you. He will take your bottle when you will sleep. I'll kiss thy foot. I'll swear myself, thy subject. अब कैलिबन अभी भी चापलूसी कर रहा है जबकि ट्रिंकुलो बोल चुका है कि ये तो आपको ही बेवकूफ बना देगा. When his god will be sleeping, he will rob his god. तो कैलिबन ने फिर से जल्दी से उसकी फ्लैटरी करी. उसने बोला कि आई स्वेयर माई सेल्फ दाई सब्जेक्ट, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और आपका स्लेव बनाता हूँ, बनने के लिए रेडी हूँ. कम ऑन देन डाउन एंड स्वेयर. स्टेफानो को मजा आ गया. उसने बोला ओके यू सिट डाउन एंड यू टेक एन ओथ दैट यू आर माई स्लेव ट्रिंकुलो. I shall laugh myself to death at this puppy-headed monster. Puppy-headed का भी मतलब हुआ stupid like puppy. तो ट्रिंकुलो को हंसी आ गई कि कैसे ये stupid monster जो है वो स्टेफानो जैसे stupid को अपना god समझ रहा है. तो उसने बोला कि I cannot stop laughing and this foolish person is ready to consider you as your god, as his god, a most scurvy monster. ये तो बहुत ही wretched monster है. Scurvy means wretched. I could find in my heart to beat him. आगे उसने बोला I feel like beating this man. स्टेफानो come kiss. अब स्टेफानो बोल रहा है कि you come and kiss my foot. और कैलिबन को फिर से ड्रिंक दे रहा है. Somewhere कैलिबन is enjoying the fact that कैलिबन is ready to accept him as God, as his Lord, and कैलिबन is ready to become his slave. But that the poor monster is in drink, an abominable monster. Abominable का मतलब होता है hateful. तो अब ट्रिंकुलो ने बोला कि अब जब ये foolish monster जो है वो बहुत ज़्यादा drunk भी कर चुका है तो definitely आप ये कह सकते हैं कि ये एक hateful monster है. Foolish तो है ही है और poor भी है, उसके साथ साथ ये एक hateful monster है. I'll show thee the best springs, I'll pluck the berries, I'll fish for thee and get the wood enough. कैलिबन उधर जो है वो बिल्कुल फ्लैटरी करता चला जा रहा है स्टेफानो की और बोल रहा है कि I will show you the fresh water springs, I'll bring berries for you, I'll get fish for you and I'll arrange wood for you, a plague upon the tyrant that I serve. और आगे उसने गुस्सा दिखाया प्रॉस्पेरो के ऊपर और उसने बोला कि may a curse of plague fall on my master Prospero. Tyrant यहाँ पे Prospero को बोल रहा है. And he is not a good lord, I do not want to serve Prospero, I'll bear him no more sticks but follow thee, thou wondrous man. And I am not going to bring any more wood sticks for my master Prospero. I will follow you. You are a wonderful man. You have removed my ache. You have removed my illness. A most ridiculous monster to make a wonder of a poor drunkard. ट्रिंकुलो ने बोला कि ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज मॉन्स्टर है जो एक पुअर ड्रंकर्ड, यानी कि पुअर ड्रंकर्ड किसको रिफर कर रहा है, ट्रिंकुलो स्टेफानो को. उसने बोला है कि जो एक पुअर ड्रंकर्ड को अपना को वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बोले और अपना लॉर्ड बना ले, उसका स्लेव बन जाए, तो ये मॉन्स्टर भी स्ट्रेंज है और इसकी थिंकिंग भी स्टूपिड है. कैलिबन आई प्रीथी लेट मी ब्रिंग दी वेयर क्रैब्स ग्रो. यहाँ पे क्रैब्स का मतलब क्रैब एप्पल से है, एक तरह के स्मॉल वाइल्ड एप्पल्स होते हैं. एंड आई विद माई लॉन्ग नेल्स विल डिग दी पिग नट्स. पिग नट्स जो है वो ग्राउंड नट को बोला जाता है, जिसे आप मूंगफली बोलते हैं. शो दी जेज नेस्ट. जे एक तरह की स्मॉल बर्ड होती है जिसको इंग्लिश कंट्री में लोग जो है वो उसका शिकार करके उसको खाते हैं. तो उसने बोला कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको क्रैब एप्पल के ट्रीज दिखाऊंगा, मैं अपने लॉन्ग नेल से अर्थ को डिक करके आपके लिए ग्राउंड नट निकालूंगा, आपको जेज के नेस्ट दिखा दूंगा, ठीक है, आप उनको अपना फूड बना लीजिएगा. एंड इंस्ट्रक्ट दी हाउ टू स्नेयर एट निम्बल मार्मोसेट. मार्मोसेट एक तरह का मंकी होता है. तो उसने बोला है कि आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल गाइड यू हाउ टू ट्रैप द मार्मोसेट्स सिटिंग ऑन द ट्री. आई विल ब्रिंग दी टू क्लस्टरिंग फिलबर्ट्स. फिलबर्ट्स भी एक तरह का फ्रूट्स होते हैं जो ट्रीज पे पाए जाते हैं. उसने बोला कि मैं आपको फिलबर्ट के क्लस्टर्स यानी कि गुच्छे तक पहुंचाऊंगा. एंड समटाइम्स आई विल गेट दी यंग स्कैमल्स. स्कैमल्स सी गर्ल्स को बोलते हैं, ठीक है, जो घेंगा होता है जिसको भी ये लोग बना के खाते हैं. उसने बोला कि आई विल शो यू सी गर्ल्स फ्रॉम द रॉक, विल दाउ गो विद मी.
Will you want to come along with me? So there are so many things Caliban is willing to do for Stefano just in order to, because he feels that Stefano is a strong, wonderful, godly person, and Stefano will save him from the cruelty of Prospero. And he considers Prospero as a tyrant, and he says that he doesn't want to serve him. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रेडी है, जिसमें से आप कई सारी चीज़ें याद रखिएगा, बेस्ट स्प्रिंग्स, बेरीज, फिश, वुड, स्कैमल्स, मार्मोसेट्स, जेज नेस्ट, पिग नट्स, क्रैब्स. ठीक है, स्टीफानो, आई प्रीथी नाउ लीड द वे विदाउट एनी मोर टॉकिंग. स्टीफानो ने उसको चुप कराया और बोला कि कीप क्वाइट एंड नाउ शो मी द वेज ऑफ दिस आइलैंड. ट्रिंकुलो, द किंग एंड ऑल द अदर कंपनी एल्स बींग ड्रूम्ड. अब स्टीफानो ने ट्रिंकुलो को बोला कि आई फील दैट ऑल द अदर पीपल हु आर प्रेजेंट ऑन द शिप दे मस्ट हैव ड्रोन्ड इन टू द वॉटर. कि बाकी के लोग जो शिप पे थे वो शायद अपनी लाइफ नहीं बचा पाए और वो सबकी डेथ हो गई है. तो जैसे किंग और उसकी पार्टी सोच रही है कि फर्डिनेंड की डेथ हो गई है, वैसे ही स्टीफानो को लगता है कि किंग और वो लोग की डेथ हो गई है, बाकी लोगों की डेथ हो गई है. वी विल इनहेरिट हियर. इनहेरिट का मतलब पोसेस करना, अथॉरिटी ले लेना, वहाँ की पावर बन जाना. तो अब स्टीफानो बोल रहा है कि वी विल इनहेरिट दिस आईलैंड. We will become the lords of this island. I can take an oath of my bottle. Fellow Trinculo, we will fill him by and by again. और Trinculo को देख के बोलता है कि we will give this man wine again, and this man will be my slave. यानी कि Caliban को बोल रहा है कि इसको मैं अपना slave बना लूँगा, इस island को मैं possess कर लूँगा, और मुझे नहीं लगता कि king और royal party में से कोई भी अभी बचा है. Caliban sings drunkenly. अब Caliban भी ड्रंक है और गाना गा रहा है, फेयरवेल मास्टर. मास्टर किसको बोल रहा है? Prospero को, क्योंकि वो हैप्पी है, उसको लग रहा है Prospero की क्रुएल्टी से वो बच जाएगा और स्टीफानो उसको बचा लेगा. हाउलिंग मॉन्स्टर, अ ड्रंकन मॉन्स्टर. Trinculo को Caliban बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसका एटीट्यूड नहीं अच्छा लग रहा है, और Trinculo ने अभी से ये आइडिया लगा लिया है कि ये जो मॉन्स्टर है वो स्टूपिड है. तो Trinculo ने बोला कि ही इज अ हाउलिंग मॉन्स्टर. हाउलिंग का मतलब होता है जो चिल्लाता हो. No more dams I'll make for thee. Dam का मतलब है enclosed water, जैसे छोटा सा पॉन्ड. तो Caliban ने बोला कि now I will not do any duty of Prospero. I will not prepare small ponds for him. I will not fish for him. मैं fish नहीं लाऊंगा उसके लिए. I will neither bring any fuel for firing at requiring. जब इसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं fuel नहीं ला के दूंगा. Nor scrap. स्क्रैप का मतलब वुडन प्लेट्स. ना ही मैं इसको सूखी हुई घास या डंडियाँ ला के दूंगा. ट्रेंचर, ट्रेंचर मतलब ये जो बड़ा सा पॉट होता है, बर्तन होता है. ना ही इसकी डिशेस धोऊंगा. बैन बैन Caliban, एंड बिकॉज Caliban इज मूविंग अवे, हैज़ अ न्यू मास्टर. और अब तो Caliban का एक नया मास्टर आ गया है. यानी कि किसको बोल रहा है नया मास्टर? स्टीफानो को. गेट अ न्यू मैन एंड Prospero, यू फाइंड आउट अ न्यू स्लेव फॉर योर सेल्फ. फ्रीडम हेडे हेडे फ्रीडम हेडे फ्रीडम. और Caliban बहुत हैप्पी है. पार्टली ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ ड्रंक और वो एक अलग इन्फ्लुएंस है वाइन का. एंड पार्टली ही फील्स दैट ही इज़ अवे फ्रॉम द क्रुएल्टी ऑफ Prospero. सो ही इज़ सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड ही सेइंग दैट he will not prepare any dam, he will neither fish for him, he will not bring fuel, he will not wash his trencher or dishes because Caliban has got a new master. And Prospero, you find out a new slave for him. I have got freedom from you. Stefano, oh brave monster, lead the way. तो Stefano ने Caliban को बोला कि you are a very gallant monster, but show me the way of this island. So this is the end of act 2, scene 2, and now we will be starting act 3.